अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपके साथ बहुत ही रिफ्रेशिंग, यमी और इजी पीजी सी ड्रिंक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये ड्रिंक ना मेरे कॉलेज के बाहर से मिला करती थी। 20-30 रुपए में एक ग्लास मिलता था और बहुत ही मज़ेदार लगता था। तो चलो अब जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए रिफ्रेशिंग और यमी सा ड्रिंक बनाना स्टार्ट करते हैं। जी तो लिमका ड्रिंक बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक ब्लेंडर जग लेंगे, उसमें डाल देंगे जी 1/4 कप के करीब शुगर सिरप। शुगर सिरप बनाना बहुत आसान है, नहीं आता तो जी कोई बात नहीं, आप इसमें चीनी भी यूज़ कर सकते हो। और अभी मैं इसमें ऐड करूँगी लेमन जूस। मैंने 3 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड किया था। आप लोग ना इसमें 1000 लीमों की ताकत वाला लेमन मैक्स भी यूज़ कर सकते हो। मैं मजाक कर रही हूँ, ये बात दिल पर मत लेना। लेमन जूस ऐड करने के बाद इसमें ऐड करेंगे काला नमक। मैंने 1/2 टीस्पून के करीब काला नमक ऐड किया था। फिर मैंने थोड़ी सी बर्फ़ ली, उसकी हल्की फुल्की सी फेंटिल डाल के इसको भी ऐड कर दिया। सबसे लास्ट पे इसमें ऐड करेंगे भी सोडा वाटर। मैंने 500 ml सोडा वाटर ऐड किया था। स्प्राइट, सेवन अप, कोई सा भी सोडा यूज़ किया जा सकता है। और पुदीने की चंद पत्तियाँ ली, उनको भी अंदर ऐड कर दिया। सोडा वाटर ऐड करने के बाद इसको अच्छे से कर लेना है ब्लेंड, और साथ ही साथ मेरी वीडियो को कर देना है लाइक। और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो कहाँ थे अभी तक यार, जल्दी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब। एंड यू कैन सी ये अच्छे से ब्लेंड हो चुके हैं। अब इसको जल्दी से निकाल लेंगे सर्विंग के लिए। एक हसीन सा ग्लास लेंगे, इसके साइड पर एक लीमू का स्लाइस चिपका देंगे और पुदीने की 2-3 पत्तियाँ ग्लास में डाल देंगे। और फिर इसमें ऐड करेंगे जी वेरी रिफ्रेशिंग एंड वेरी यमी लिमका ड्रिंक। ट्रस्ट में यार ये बहुत मज़ेदार है और देख चुके हैं आप इसको बनाना बहुत आसान है। अब तुम लोग मुझे ईमान से बताओ, लग रहा है ना हसीन, यमी और रिफ्रेशिंग? तो फिर कैसी लगी आज की वीडियो? आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर यम्मी इजी पीजी हेल्दी एंड क्विक रेसिपीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, बाय बाय।